हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार, स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे इवियान 400 mg कैप्सूल के बारे में, यानी विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में, जो कि आज के डेट में कई तरह से विटामिन आते हैं जो कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा भी होता है। उसी में से एक विटामिन है जो कि विटामिन ई के नाम से आता है मार्केट में। ब्रांड नेम इवियान 400 mg है और आपको साल्ट विटामिन ई कैप्सूल है। बात करें तो ये आपको मार्केट में इवियान के नाम से मिल जाएगा। ये कंपनी जो बनाता है वो आपका प्रोकेटर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड कंपनी का दवा है। और बात करें प्राइस का तो 32.70 रुपये में 10 कैप्सूल आपको मिल जाएगा। ये आपको मार्केट में हरी वाली गोली के नाम से भी मिल जाएगा। ये जो विटामिन है ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं शरीर में, इसके कई फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में इसके मुख्य फ़ायदे जानेंगे जो काफ़ी इस्तेमाल लोग करते हैं और फ़ायदा मिलता है। उनमें से सबसे पहला है ये स्किन की समस्या को ठीक करता है, जैसे कि चेहरे के स्किन पे आपके किल मुहासे और झुर्रियाँ और सूजन, इस तरह का समस्या है तो इसको लगाने से वो ठीक हो जाता है। जैसे कि आपके चेहरे पे ज़्यादा किल मुहासे, धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, सूजन है, रेडनेस है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एक कैप्सूल निकाल कर और हाथ पे ऐसे रख लेना है और इसमें आप कोई एक एजेंट जैसे कि बादाम का तेल या लुब्रिकेंट जैसे वैसलीन मिक्स करके और चेहरे पे आप इसको लगाएं। ये दिन में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप रात में इसको लगाएं तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है, रात को अच्छा सा काम करता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि चेहरे आप बढ़िया से धो लें सादा पानी से और चेहरे को सुखा लें, और उसके बाद ये तेल आप जो निकाले हैं उसको रात में लगा कर छोड़ दें और सुबह आप पानी से धो लें। ये केवल आपको रात को रात लगाना है, केवल रात में लगाया जाता है, और ये 10 से 15 दिन में आपको बेनिफिट दिखाई दे देगा जो कि काफ़ी जल्दी रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट इसका ये है कि अगर चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी चेहरे पे मेलानिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसका चेहरा पहले के कंपेयर ज़्यादा डार्कनेस होने लगता है, चेहरा अच्छा नहीं लगता है, कालापन पड़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो उसको ये ठीक करता है, जो कि स्किन चेहरे का काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं जिससे बढ़िया से विटामिन नहीं मिल पाते हैं, उसके चलते स्किन आपका झुर्रिया पड़ने लगता है, हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है, जिससे कालापन पड़ने लगता है, कील मुहासे, धब्बे, फोड़ा फुंसी ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ये क्या करता है, स्किन को आपको हेल्दी करने काम करता है, जो कि विटामिन है स्किन के लिए, और आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा, जो कि नए सेल्स फॉर्मेशन होंगे और आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा चेहरे का, जिससे कि सॉफ्ट दिखाई देगा और स्मूथ दिखाई देगा और निखार अच्छा सा आने लगेगा। तो इसमें इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, लेकिन लगाने का तरीका ये है कि इसको रात को रात आप खोल के चेहरे पर लगाएँ। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है एजिंग प्रॉब्लम, यानी बढ़ते उम्र को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जैसे कि कम उम्र रहता है और ज़्यादा दिन का चेहरा लगता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि चेहरे का जो स्किन है उसका सेल डेथ होने लगते हैं और आपका झुरापन दिखाई देने लगता है और चेहरा आपका चमड़ा लचीला हो जाता है, तो इसलिए आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा का एज है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि निकाल लें और बादाम के तेल में या नारियल के तेल में मिक्स कर लें और चेहरे पे लगाएं और रात को रात केवल लगाएं तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लगाने के बाद सुबह उठे तो नॉर्मल पानी से धो लें, कोई किसी तरह का फेस वाश उसवास नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें फेस वाश में भी विटामिन ई और कई तरह का विटामिन रहता है, जो कि मेन आपका विटामिन ई ही होता है। तो विटामिन ई हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि अच्छे से आपको फ़ायदा मिले। और जैसे कि त्वचा में जलन होने लगता है, जैसे कि बहुत लोगों को चेहरे पे
धूप में जाते हैं या काम उम करते हैं ऐसे भी लाल होने लगता है और जलन होने लगता है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खोल के लगाया जाए और चेहरे पे केवल रात को रात, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। ये इस्तेमाल था विटामिन ई का, और चेहरे पे आपके काफ़ी ज़्यादा फोड़ा फुंसी किल मुहासे झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है और बेस्ट रिस्पांस मिलता है। ये खाने से बढ़िया लगाने से फ़ायदा होता है, तो लगाने का यह है खोल के आप नारियल के तेल में मिला लें या बादाम के तेल में मिला लें और उसके बाद चेहरे पे अप्लाई करें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट इसका मुख्य यूज ये है कि नाखून, जैसे नाखून बहुत लोग ख़राब हो जाते हैं, सेल डेथ करने लगते हैं, जैसे औरतों लोग ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, खाना वाना बनाने में, बर्तन धोने में नाखून टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। खोल कर और हाथ में मिक्स करके रात में और सो जाएं तो उसमें नए सेल आने लगते हैं नाखून में और अच्छा दिखाई देता है, नाखून सुंदर दिखाई देता है। और जैसे किसी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो, जैसे बाल की समस्या हो, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, कालापन नहीं है, भोरापन हो रहा है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसको खोल कर और नारियल का तेल मिलाकर और बाल में मिक्स किया जाता है रात के रात, और सुबह उठकर नॉर्मल पानी से धोना होता है, उसमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आपको बाल झड़ेगा नहीं और बाल मजबूत हो जाएगा, सेल जो होता है बाल का वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, जो कि विटामिन ई के कमी से वो कमज़ोर हो जाता है, तो विटामिन ई आप कैप्सूल डायरेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे तो अच्छे से हेल्दी हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा और बाल मजबूत हो जाएगा, काला गाढ़ा और लंबा दिखाई देगा और सुंदर दिखाई देगा। और जैसे फटे ओठ पे, जैसे बहुत लोगों को ओठ फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें झुर्रियाँ छोड़ता है, तो उस परेशानी को भी ये ठीक करता है। खोल कर अप्लाई किया जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है ओठ फटे होने के, जो बार बार नहीं फटता है और मॉइस्चराइजेशन देता है। ये सब 6 यूज था जो कि वियान 400 mg का मुख्य यूज है, और सारे यूज हैं लेकिन मुख्य यूज यही है, और इसमें काफ़ी बेस्ट रिस्पांस देता है इवियान 400 mg। इसको रात को लगाएं खोल कर, खाने से बढ़िया लगाने से होता है, लगाने से ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, खाने में कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देता है लेकिन लगाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि लगाएंगे डायरेक्ट तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सब जानकारी था इवियान 400 mg कैप्सूल के बारे में। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रोज जानकारी मिलता है इस चैनल पे। धन्यवाद।